हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर सेकंड। हाफ लेसन तो हम रीड कर चुके थे, तो बाकी का हाफ लेसन हम रीड करेंगे। हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या बोला जाता है, हेवन ऑन अर्थ, धरती का स्वर्ग बोला जाता है। और वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ पर हाउस बोट होती हैं, वहाँ पर बड़ी फेमस डल लेक एंड वुलर लेक है, और वहाँ के जो मेन फेस्टिवल हैं वो ईद और शिवरात्रि हैं। और वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो कश्मीरी जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। आप फिंगर रखिएगा और बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लद्दाख इज फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी कल्चर एंड ट्रैवलर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अब वो कह रहा है जो लद्दाख है वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, वहाँ के कल्चर के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। It was once a part of Jammu and Kashmir. वो जम्मू एंड कश्मीर का ही एक पार्ट है। But now enjoy the status of a separate union territory. लेकिन अब उसको एक सेपरेट अलग से जो है यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया है। Its administrative capital is Leh. Rearing of sheep की खेती करना, यानी जो वहाँ का उनका देखभाल करना, यानी शीप की इस तरह का जो काम है वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। Rearing of sheep is the common occupation of the people of Ladakh. आगे देखिए, most families own goats, cow and yak cow also known as dhazos. People's diet include meat and milk product. अब लद्दाख के बारे में वो क्या कह रहा है कि जो लद्दाख है ना वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मशहूर है। वैसे तो वो एक जम्मू एंड कश्मीर का ही एक पार्ट था, बट अब उसे अलग कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है और अलग से उसे एक यूनियन टेरिटरी जो है बना दिया गया है। और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो क्या है बेटा, ले। और रेयरिंग ऑफ शीप, वहाँ के लोगों का जो मुख्य काम है वो क्या है, रेयरिंग ऑफ शीप। और ज़्यादातर वहाँ पे जो फैमिली है उनके पास अपने खुद की बकरियाँ गायें इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो खुद मतलब की है जानवरों को जो है पालते हैं, गोट को, काऊ को, इस तरीके के एनिमल्स को। और वहाँ के जो पीपल ज़्यादातर जो खाते हैं वो क्या चीज़ खाते हैं, एक तो मीट वहाँ पर बहुत चलता है, और मिल्क से बने प्रोडक्ट जो दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं। जेन्युइन सी बात है कि जब वो ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ के गायें बकरियाँ खुद ही पालते हैं तो वो मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते होंगे, दूध से बनने वाली चीज़ें, और मीट वहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा चलता है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा लद्दाख के बारे में। अब आप देखिए, आपको फिंगर रखनी है। नेक्स्ट जो वो है वो हमारा है बेटा हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश, आपको बस फिंगर रखनी है। दिस ब्यूटीफुल स्टेट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयास। दोबारा देखिए ये लाइन, दिस ब्यूटीफुल स्टेट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयास, कि ये जो ब्यूटीफुल स्टेट है ये कहाँ पर लोकेटेड है, लैप ऑफ द हिमालयास। शिमला द कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट, शिमला द कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। जो शिमला है वो इसकी कैपिटल है और वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, वहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं घूमने के लिए आते हैं। शिमला जाते हैं ना हम सब घूमने के लिए। आगे देखिए, रावी व्यास एंड सतलुज आर
some important rivers of their state. Ravi, Vyas and Satluj are some important rivers of their state. और वहाँ की जो important rivers हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं? Ravi, Vyas और Satluj. यानी कि ये जो पहले यहीं तक देखो, this beautiful state is also located in the lap of the Himalayas. ये जो ब्यूटीफुल सी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ पर है? लैप ऑफ द हिमालयास के अंदर. शिमला द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट, और शिमला इसकी क्या है? कैपिटल है. इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है. काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ को पर इसको देखने के लिए आते हैं. शिमला में काफ़ी बर्फ हो जाती है ना विंटर सीजन के अंदर. आगे देखिए, रावी व्यास एंड सतलुज आर सम इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द स्टेट, और यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी हैं? रावी, व्यास और सतलुज. आगे देखिए, फ्यारी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट, और जो मेन लैंग्वेज है यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? हिंदी. पीपल जनरली वेयर लॉन्ग कुर्ता पजामाज, वहाँ के जो लोग हैं आदमी हैं ज़्यादातर वो क्या वेयर करते हैं? कुर्ता पजामा. वुमेन वेयर अ स्पेशल स्कार्फ, और वुमेन क्या करती हैं? एक स्पेशल तरीके का स्कार्फ डालती हैं कोल्ड ढांसू. वाइल मैन वर एम्ब्रॉयड कैप, यानी देखो आपको पिक्चर भी दिखा रखी है वुमेन किस तरीके का स्कार्फ डालती हैं और जो मैन है वो किस तरीके की जो है कैप डालते हैं, और ड्रेसेस भी दिखा रखी हैं कि वो किस तरीके के जो है वहाँ पर कपड़े डालते हैं. दशहरा इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिस रीजन, और दशहरा यहाँ का क्या है? मेन फेस्टिवल है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दशहरा है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. देखो दिखा रखा है दशहरा ऑफ कुल्लू. कुल्लू का दशहरा जो है वो आपको बेटा अच्छे से उन्होंने जो है दिखाया हुआ है. आगे देखिए, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं? खेती का काम जो है वो करते हैं. दे ग्रो राइस, मेज, बार्ले, पटैटो, प्लम, एप्रिकॉट्स, पीचेस. ज़्यादातर यहाँ पर किस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं? जैसे कि राइस हो गई, मेज, पटैटो, प्लम, एप्रिकॉट्स, इस तरीके की जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है फसलें उगाई जाती हैं. मैनी फेमस हिल स्टेशन, जो काफ़ी मशहूर हिल स्टेशन है यहाँ के, डल हाउसेस, कोजाली एंड धर्मशाला एंड वैलीज लाइक कंगरा, कुल्लू एंड मनाली आर लोकेटेड हेयर. डू यू नो डैट द हिमालयन टाउन ऑफ धर्मशाला इज होम टू दलाई लामा. अब देखो उन्होंने आपको इसमें क्या बता रखा है. उसने इसमें आपको बताया कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कहाँ पर लोकेटेड है? लैप ऑफ द हिमालयास. इसकी कैपिटल बता रखी है शिमला, जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है. इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में हमें पता चला कि हिमाचल प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो है रावी, व्यास और सतलुज. मेन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी. आदमी क्या डालते हैं? कुर्ता पजामा. और वुमेन क्या वियर करती हैं? एक स्पेशल तरीके का स्कार्फ. और जो दशहरा है वो यहाँ का मेन फेस्टिवल है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं? खेती करते हैं. और वो किस किस तरीके की फसलें उगाते हैं? जैसे कि राइस, मेज़, पटैटो, प्लम. और यहाँ पर फेमस हिल स्टेशन कौन से हैं? जैसे डल हाउस हो गया, धर्मशाला हो गया, कुल्लू एंड मनाली हो गया, अगर वैलीज़ की बात अगर हम करें तो. इस तरह से जो है इसमें हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है बेटा वो बताया हुआ है. आगे आप देखिए, जो नेक्स्ट हमारा है वो है उत्तराखंड. क्या है? उत्तराखंड. देखिए, उत्तराखंड वॉज कर्व आउट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2000.
अब जो उत्तराखंड था वो पहले उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, फिर वो उसमें से कर्वड आउट, काट दिया गया, बांट दिया गया, वो अलग बन गया। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयास, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, लैप ऑफ द हिमालयास के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट रीजन, गढ़वाल एंड कुमाऊँ। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट, और इसकी कैपिटल कौन सी है, देहरादून। ठीक है, अलकनंदा, गंगा एंड यमुना आर सम मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द स्टेट। अलकनंदा हो गया, गंगा, यमुना, यहाँ की जो है ये इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर, और एग्रीकल्चर करना, खेती करना यहाँ के लोगों का जो है मुख्य काम है। गढ़वाली एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर, और जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट, यहाँ पर भी जो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है वो कौन सा है बेटा, दशहरा। कुंभ मेला इज अ फेयर डैट इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स एट हरिद्वार, और जो कुंभ मेला है वो 12 साल बाद लगता है, 12 साल के बाद लगता है, और कहाँ पर लगता है वो, हरिद्वार के अंदर। एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ द हिंदूज, और वो एक हिंदूज की जो है धार्मिक जगह भी है वो। ठीक है, इसे दोबारा रीड करवा रही हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे। उत्तराखंड, ध्यान से देखना, उत्तराखंड वॉज कर्व्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2000। उत्तराखंड वॉज कर्व्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2000। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयास। उत्तराखंड वॉज कर्व्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2000। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयास। इट कंसिस्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट रीजन्स, गढ़वाल एंड कुमाऊँ। देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। अलकनंदा, गंगा एंड यमुना आर सम मेजर रिवर्स डैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर, खेती करना यहाँ के लोगों का मुख्य काम है। गढ़वाली एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। कुंभ मेला इज अ फेयर दैट इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स एट हरिद्वार, एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ द हिंदूज। तो ठीक है बेटा, इसमें आपने उस आपको उन्होंने उत्तराखंड के बारे में जो है वो बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर सम अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रीमेज ऑफ द हिंदूज। यानी कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, पिलग्रीमेज मतलब जो हमारे तीर्थ स्थल हैं। मंसूरी एंड नैनीताल आर फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड हेयर, और मंसूरी और नैनीताल जो काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है वो भी कहाँ पर है, वो भी इसी स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप,
नेक्स्ट आपको बता रखा है उन्होंने सिक्किम के बारे में. सिक्किम इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज. सिक्किम इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज. वो कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर. गंगटोक द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज अ फेमस हिल स्टेशन. टेस्टा रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट. द थर्ड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम. जो हमारा थर्ड हाइएस्ट माउंटेन पीक है वो है कंचनजंगा, और वो भी कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? सिक्किम के अंदर. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर इज एग्रीकल्चर. और यहाँ के लोगों का मुख्य काम क्या है? खेती करना. दे ग्रो राइस, मेस, बार्ले, कैरेडमोम, पोटैटो, लिप्चा. उन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पर मेन फसलें हैं जो उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, मेज, बार्ले, पोटैटो, इस तरीके की जो फसलें हैं वो यहाँ पर लगाई जाती हैं. लिप्चा, भूटानिया एंड नेपाली आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर. लोसार एंड सगा दवा आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर. सिक्किम मीन एंड वुमेन वियर अ लॉन्ग स्कर्ट. वो क्या डालते हैं? एक बहुत लंबी स्कर्ट डालते हैं, कॉल्ड बाकू. द मास्क डांस इज वन ऑफ द फोक डांस ऑफ सिक्किम. जो मास्क डांस है वो यहाँ का फेमस फोक डांस है. देखो ये मास्क लगा के नाच रहे हैं ना, मास्क डांस ऑफ सिक्किम. ये सिक्किम का जो है मास्क डांस है. अब देखिए बेटा, आज जो हम ये लेसन है हम यहीं तक करेंगे, सिक्किम तक. अब आप देखिए इसके जो है इम्पोर्टेंट नोट्स, जहाँ तक आपने पढ़ा है. पहले जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक हमारा कौन सा है? गोडविन अस्टिन. अभी जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है इन क्वेश्चंस के अंदर. सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक गोडविन अस्टिन. वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट. वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट. ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज डैश. इनर हिमालयाज. ग्रेटर हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? इनर हिमालयाज. फेमस रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. फेमस रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. झेलम, चेनाब और इंदूस. कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब और इंदूस. आगे देखिए, मेन लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मेन लैंग्वेजेस कौन सी हैं जम्मू एंड कश्मीर की? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू. आगे मेन फेस्टिवल कौन से हैं जम्मू एंड कश्मीर के? ईद एंड शिवरात्रि. और मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? राइस मेज़ राजमा. दोबारा देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात चल रही है. सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक गोडविन अस्टिन. वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट. ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज इनर हिमालयाज. फेमस रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर झेलम, चेनाब, इंदूस. मेन लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू. मेन फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ईद, शिवरात्रि. मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइस, मेज़, राजमा. ठीक है, ये तो बात हो रही थी जो हमें जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है. फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, सोनमार्ग, श्रीनगर, वैष्णो देवी टेम्पल और अमरनाथ केव्स.
अब ध्यान से देखना, अब बात चल रही है बेटा हिमाचल प्रदेश की। इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फ्लो करती हैं? रावी, प्यास, सतलुज। मेन लैंग्वेज कौन सी है हिमाचल प्रदेश में जो बोली जाती है? हिंदी। मेन फेस्टिवल कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? वो है हमारा दशहरा। और फेमस हिल स्टेशन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के? डलहाउसेस, धर्मशाला और कुल्लू एंड मनाली। कौन कौन से हैं? डलहाउसेस, धर्मशाला, कुल्लू एंड मनाली। आगे देखिए उत्तराखंड के बारे में। इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना। मेन लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? हिंदी। मेन लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? हिंदी। आगे देखिए मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड? दशहरा। मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड? दशहरा। अब देखिए सिक्किम के बारे में। द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? कंचनजंगा। द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? कंचनजंगा। मेन लैंग्वेज ऑफ सिक्किम? नेपाली। मेन लैंग्वेज ऑफ सिक्किम? नेपाली। फेमस फोक डांस? मास्क डांस। फेमस फोक डांस? मास्क डांस। दोबारा देखिए द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? कंचनजंगा। मेन लैंग्वेज ऑफ सिक्किम? नेपाली। फेमस फोक डांस? मास्क डांस। ये सिक्किम के बारे में बात चल रही है और हमने आज रीड भी कहाँ तक किया है? सिक्किम तक। तो आपको करना क्या है? सिक्किम तक लेसन रीड करना है और ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाए हैं आपको सिक्किम तक, यहीं तक ही आपको लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। इससे आपकी जीके इम्प्रूव होगी बेटा, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको सिक्किम तक ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाए गए हैं आपको ये लिखने हैं, लर्न करके आपको ये लिखने हैं और सिक्किम तक ही आपको ये लेसन अच्छा अच्छा रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।